अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो टेस्ट है ना, दिल की ब्लॉकेज को चेक करने के लिए कि खून की नालियों के अंदर कोई ऐसी ब्लॉकेज तो नहीं आ रही जिसकी वजह से हार्ट अटैक और दिल के और बहुत सारे मामला हो सकते हैं, तो उसको चेक करने का जो आसान सा सबसे अच्छा टेस्ट है, जो बुनियादी सतह पे है, बेसिक लेवल पे है, वो है लिपिड प्रोफाइल। तो लिपिड प्रोफाइल के लिए क्या प्रिकॉशन होनी चाहिए? लिपिड प्रोफाइल कम से कम 10 से 12 घंटे आपने कुछ खाया पियो ना, फास्टिंग में हूँ तो फिर निहार मुँह सुबह उसका सैंपल दिया जाता है और उस सैंपल में फिर हम चेक करते होते हैं। और वो कौन कौन सी चीजें हम चेक करते होते हैं? HDL कलेस्ट्रोल चेक करते हैं, LDL करते हैं, ट्राइग्लिसराइड चेक करते हैं, VLDL करते हैं। ये मेजर चीजें हैं जो इसमें बेसिकली चेक की जाती हैं। तो अब ये है कि कलेस्ट्रोल करता क्या है? कलेस्ट्रोल हमारी जो खून की नालियां उनके अंदर ब्लॉकेज पैदा करता है, रुकावट पैदा करता है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक हो सकता है। तो नॉर्मल जो है कलेस्ट्रोल हमारा कितना होना चाहिए, यानी कि 130 से लेकर 200 के दरमियान होना चाहिए। बट ये 130 के जितना करीब होगा इतना ज्यादा अच्छा होगा। फिर नॉर्मल जो ट्राइग्लिसराइड है वो कितनी होनी चाहिए? वो हमारी 100 से लेकर 160 तक होती हैं। तो वहाँ अगर 100 और 160 के दरमियान कुछ लैब्स के पैरामीटर होते हैं, अप डाउन भी हो सकते हैं, बट ये कि बेस्ट ये है कि 100 से लेकर 160 के दरमियान में होने चाहिए। फिर एक अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है जिसको HDL बोलते होते हैं। ये HDL जो होता है ये हायर देन 25 होना चाहिए, 25 से ज्यादा होना चाहिए। इसका काम क्या होता है कि ये ब्लॉकेज को, जो खून की नालियों के अंदर रुकावट बनती, उसको रिमूव करने में काम आता है। अगर ये अच्छा कोलेस्ट्रॉल आपका ठीक है तो आपकी अच्छे तरीके से दिल की हिफाजत हो रही है। फिर VLDL क्या होता है? ये वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन होती है, ये लेस देन 20 होना चाहिए। इसको कैसे निकाला जाता है? इसको निकालने का बड़ा आसान है। अगर दो चीजें ऊपर वाली हमने निकाल ली हैं तो ट्राइग्लिसराइड डिवाइडेड बाय 5 कर देंगे ना, तो उससे जो रिजल्ट आएगा उसको बेसिकली हम VLDL कहते होते हैं। फिर इसके बाद ये भी कैलकुलेशन से निकाला जाता है LDL। ये क्या होता है? ये भी लेस देन 70 होना चाहिए। अब इसमें क्या होता है कि कोलेस्ट्रॉल माइनस VLDL और माइनस HDL, तो जब इसको हम इस तरह कैलकुलेट करते हैं तो जो आंसर आएगा वो बेसिकली LDL हो जाएगा। अब ये होता है कि कुछ लोगों के जीन्स के अंदर जेनेटिकली इनको इशू होता है और उनकी वजह से इनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, तो वो भी अगर सही तरह से एहतियात करते हैं और इन चीजों को फॉलो करते हैं तो ये कम हो सकती हैं चीजें। CT कोरोनरी स्कैन भी करवाया जाता है, वो बेस्ट रहता है, उसमें पता चल जाता है ब्लॉकेज कहाँ कहाँ पे है। फिर अगर कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है तो फिर कन्फर्म बात है कि खून की नालियों के अंदर ब्लॉकेज आ सकती है। रिस्क में चले गए तो इसके लिए क्या होता है कि एनिमल फूड हमने बंद करना होता है, जैसे मीट है और जैसे मिल्क है। मिल्क की एक ब्यूटी ये भी है कि उसे हम अगर 2-3 दफा बॉयल करके ऊपर से वो मलाई उतार ले तो फिर उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। तो जो भी एनिमल फूड है वो बेसिकली कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, तो उसको कम करेंगे तो कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा। फिर ट्राइग्लिसराइड को कैसे कम किया जा सकता है? ट्राइग्लिसराइड को कम करने का बड़ा आसान सा तरीका है, जो भी हम ऑयल या घी यूज कर रहे हैं उनको मिनिमम कर दें, उनको कम कर दें, तो ट्राइग्लिसराइड को भी हम कम कर सकते हैं। ये था जी लिपिड प्रोफाइल और ये थी उसकी प्रिकॉशन और किस तरह हम इसको रिमूव कर सकते हैं। शुक्रिया।